दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जीबी वर्जन 7.45 की सभी सेटिंग्स के अंदर बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, जो 10 न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं जीबी व्हाट्सएप के अंदर, इनके पूरी डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने जीबी व्हाट्सएप के जो नए नए वर्जन्स के अंदर जो भी चेंजमेंट हुआ है उनके ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीबी व्हाट्सएप न्यू अपडेट फीचर्स के नाम से, तो उन वीडियोज को भी देख लेना। आज इसके अंदर पूरी डिटेल में बात करने वाले इन सभी सेटिंग्स की कि क्या क्या कुछ चेंजमेंट हुआ है, और इनसे जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स के अंदर चेंजमेंट हुआ है वो भी बात करने वाले। तो दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले सेटिंग की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर। दोस्तों अपने व्हाट्सएप पे आ गए हैं, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, पहला चेंज जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनके स्टाइल्स के अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे जब इनके स्टाइल्स के अंदर भी यहाँ पे आपको चेंजमेंट दिख रहा होगा। चलते हैं जीबी सेटिंग्स की तरफ। जीबी सेटिंग्स की तरफ आते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप का चैट बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलता था, पर अब यहाँ से आप बैकअप जो मीडिया के लिंक्स डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आप रिस्टोर कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से रिस्टोर कर पाओगे, यहाँ से आप रिस्टोर व्हाट्सएप का जो डाटा वो भी रिस्टोर कर सकते हो, जो व्हाट्सएप का जो बैकअप डाटा है उसको भी आप रिकवर कर सकते हो। मुझे तो ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा है, आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा है। दोस्तों अगले फीचर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है इसका मतलब, जैसे हम कोई भी मीडिया डॉक्यूमेंट भेजते हैं ना, वो अब हम 100 MB तक भी भेज पाएंगे। 100 MB तक का जो कोई भी मीडिया फाइल जो PDF वगैरह होते हैं वो हम भेज पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा एडिड हुआ है ये, अब चलते हैं आपको क्या हुआ है ये एड। दोस्तों यूनिवर्सल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं स्टाइल्स लुक एंड फील। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो व्हाट्सएप का जो वेरिएंट देखना है यहाँ पे व्हाट्सएप है। अगर हम यहाँ पे iOS न्यू 2023 ऐसा जो व्हाट्सएप का जो हमारे पास लोगो दिखता है ना वो वेरिएंट यहाँ से यूज करना चाहे तो हम ये वाला वेरिएंट यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये नया ऐड हुआ है यहाँ पे। फेसबुक एंड्रॉयड इन सभी के भी वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। अगला दोस्तों, यहाँ से आप मैसेज को पिन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इससे पहले वाले अपडेट में हमने आपको बताया था कि आप मैसेज एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप मैसेज को पिन कर सकते हैं, आप और किसी के जो मैसेज पिन किए हैं वो भी ले सकते हो, और ग्रुप के अंदर भी आप मैसेज को पिन कर सकते हो चैट के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, सपोज कीजिएगा मैं इस मैसेज को यहाँ से पिन करना चाहता हूँ, यहाँ से आपको मेरे को पिन का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ से पिन कर सकता हूँ, बट मुझे अब यार नहीं करना है ये पिन, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चेंजमेंट दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर जो स्टाइल ऐड हो गई है, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाली स्टाइल सभी के अंदर ऐड हो गई है, ग्रुप्स के अंदर देखो या चाहे किसी भी जगह पे देखो। तो ये वाली सेटिंग आई वही थी और ये भी वही थी, इसके बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, ये वाली सेटिंग लोकड कन्वर्जेशन, ये क्या हुआ, यहाँ पर नया फीचर ऐड हुआ है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको लोकड कन्वर्जेशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप जो इस कन्वर्जेशन को लॉक कर सकते हो, आप क्या लगाना चाहते हो यहाँ से आप चैट को लॉक कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों एक मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा है यहाँ पे, ट्रांसफ़र चैट्स बिटवीन फोन्स, यहाँ से आप जो व्हाट्सएप की जो चैट है ना वो दूसरे फ़ोन में भी ट्रांसफ़र कर पाओगे। इसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर पाओगे। व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सीधा सेटिंग्स के अंदर जाने को, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाओगे और यहाँ पे जो चैट वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको ट्रांसफ़र चैट्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट नाउ का ऑप्शन करेंगे, कंटिन्यू और लोकेशन वगैरह ऑन कर देते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ से वाईफाई भी ऑन करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा यार, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगली सेटिंग्स की तरफ। दोस्तों जो यहाँ पर जो सभी सेटिंग्स में चेंजमेंट हुआ था मैं वो सभी आप सभी को यहाँ पर बता चुका हूँ, यहाँ पर ये भी सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे जो एंटी बैन है ये तो सब कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ जो इश्यूज थे वो
कम्युनिटी के अंदर वो सब कुछ क्रैश हो जाते हैं, वो सब कुछ फिक्स कर दिए, जो बग इश्यूज थे वो भी फिक्स कर दिए हैं, जो ये जो कुछ काम बच गए थे ना वो सब कुछ फिक्स कर दिया दोस्तों। इसके अलावा जो सेटिंग्स मैं बता देता हूँ क्या चेंजमेंट हुआ है, वो इसके अंदर आपको नहीं दिया गया है कि ये चेंजमेंट भी हमने किया है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम अपने व्हाट्सएप के कॉल्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट का, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला, ये भी चेंज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, जिस जिसके साथ एक साथ बात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, आज आप सीधी सभी चैट्स को डिलीट कर सकते हो। एक चेंजमेंट ये हुआ था, और एक और बताता हूँ आप सभी को। जैसे हम यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर जो स्टेटस अपडेट करते हैं, यहाँ पे हम टाइप वगैरह करते हैं टेक्स्ट, इनके अंदर भी चेंजमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे हम अपने ग्रुप के अंदर आते हैं, ग्रुप के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेगा ग्रुप इन्फो के पेज के ऊपर यहाँ पे चैट लॉग तो ऐड है, यहाँ पे दोस्तों ग्रुप सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एडिट ग्रुप सेटिंग्स का तो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सेंड मैसेज की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको मैसेज सेंड करने देना या नहीं करने देना, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अब अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपके ग्रुप के अंदर अदर पार्टिसिपेंट्स को हर बंदा ऐड कर पाएगा। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे अप्रूव है ना, यहाँ से अगर कोई बंदा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिएगा आपने ये वाली सेटिंग इनेबल कर दी है, और दोस्तों फिर अगर आपने ये वाली भी इनेबल कर दिया ना दोस्तों, यहाँ पर वो बंदा, जो भी बंदा ग्रुप के अंदर आएगा ना, तो इसको अपनी परमिशन लेनी पड़ेगी, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे वो बंदा ऐड नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है, सभी फीचर्स को हमने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है, इतना कोई नहीं बताएगा। अगर यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, आप कमेंट में ज़रूर बताना इनमें से किस फीचर पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपको किसी ऐसी नई वीडियो के साथ।